नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक भयानक घटना घटी है। यहां एक बकरी के लिए 5 लोगों की हत्या कर दी है, वहीं 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि खेत में जानवर घुसने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, फिर दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर फायरिंग हुई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल छा गया, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी है। वहीं मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये घटना दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेड़ा गांव की है। ठीक 4 दिन पहले प्रीतम पाल अपने मवेशियों को लेकर नहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान राम प्रकाश दांगी का खेत रास्ते में पड़ गया। तभी रास्ते में राम प्रकाश के साथियों ने उसे घेर लिया और खेत से मवेशी निकाल दिए। इसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया। राम प्रकाश दांगी के साथी ने युवक को खूब मारा था। वहीं दोस्तों, इसी बीच प्रीतम के परिजन मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों पक्ष थाने पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला बढ़ता देख गांव के बुजुर्गों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का फैसला लिया। बुधवार सुबह पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में प्रीतम पाल राम प्रकाश दांगी को बुलाया गया ताकि दोनों के बीच समझौता हो सके, लेकिन यहां पूरा खेल ही पलट गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 10-15 मिनट तक फायरिंग होती रही, जिसे प्रीतम पाल के पुत्र राजेंद्र पाल, ठाकुर दल पाल के पुत्र राघविंदर पाल की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गोली लगने से भैया लाल के बेटे प्रकाश दांगी, राम प्रकाश दांगी, प्रकाश दांगी के बेटे सुरेंद्र दांगी की भी मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया था। गांव में कई थानों की पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक बकरी के विवाद के चक्कर में 5 लोगों की जान चली गई है। बहुत ही बड़ी खबर।